आज मैं आपसे बथवे के पराठे और पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 2-in-1 रेसिपी है। इसमें हम बथवे का आटा सान के रेडी करेंगे, इसके बाद इससे हम पराठा, पूड़ी या रोटी कुछ भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स बथवा लिया है। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे वॉश करने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई ली है, इसके तले पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसमें बथवा ऐड कर दे रही हूँ। इसे हमें अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। स्टीम करते वक्त ध्यान ये देना है कि एक तो हमें इसे खोल के ही स्टीम करना है, इसे ढकना नहीं है, इससे इसका ग्रीन कलर मेंटेन रहता है। और इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे अभी। तो इसे मैंने अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम किया है। ये 15 मिनट बाद देखिए इसकी पत्ती एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आराम से मैश हो जा रही है। तो ये रेडी है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम सूखे मसाले बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच जीरा लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे मैंने भून लिया है। ये अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसी में जो बथवा हमने रेडी किया है स्टीम करके, उसे ऐड करके हम उसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये बथवा ठंडी हो गई है, इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने ऐड किया है और इसका पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे। इसी से हम आटा सानेंगे। ये देखिए इसका पेस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, टोटल 150 ग्राम्स आटा है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड किया है। इनको आपस में अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं बथवे का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पूरा पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब पहले बथवे को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जितना पानी हमें लगेगा हम थोड़ा थोड़ा पानी छीटा करके आटा सान लेंगे। ये देखिए पहले बथवा मिक्स कर लिया है, ऑलमोस्ट आटे में काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है बथवे से। अब थोड़ा थोड़ा पानी का छीटा देके मैं बाकी का आटा सान ले रही हूँ। आटा बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी का आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा आटा हमें सानना है। आटा सान के 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया है आटा, उसके बाद हम इससे पराठे बना रहे हैं। ये लोई बन गई है हमारी, अब हम इससे पराठा बना लेंगे। इसमें मैंने सूखा आटा लगा लिया है, अब हम इसे बेल लेंगे। इसे बेल के इसके बीच में मैं घी लगाऊंगी, थोड़ा सा घी लगाया है, एकदम थोड़ा सा घी लगा रही हूँ मैं। अब इसको मैं फोल्ड करूंगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से फोल्ड करके इसे बीच में लाके प्रेस कर दीजिए और ऐसे पराठे की लोई हम बना के रेडी कर लेंगे। ये लोई बन गई है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और छिड़क के इसे हम फिर से रोल कर लेंगे। पराठा आप अपने पसंद से बनाइए, आप चाहें तो वो ट्रायंगल पराठे बना सकते हैं, जैसे भी घर पे आपके पसंद करते हो। थोड़ा मोटा पराठा या पतला पराठा अपने हिसाब से आप बनाइए। और अब हम इसे सेक लेंगे। तवा गरम कर दिया है, अब इसमें पराठा दोनों साइड से गोल्डन करने के बाद हम इसमें घी लगाएंगे। एक बार आटा सन जाए फिर उसके बाद आप उससे पराठे, पूड़ी, आप चाहें तो उसकी रोटी बना सकते हैं, आप चाहें तो कचौड़ी भी बना सकते हैं। उसके बीच में अपने पसंद की कोई भी स्टफिंग भर के आप उसे तल लीजिए। उसके लिए थोड़ा और कड़क आटा सानना होगा। तो ये देखिए पराठे हमारे बढ़िया फूले फूले बन के रेडी हुए हैं। ऐसे ही बाकी के पराठे मैं और सेक लूँगी। आप चाहें तो इसी आटे में थोड़ा सा अजवाइन और ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो,
और ये देखिए बथुए के पराठे बनके रेडी हैं। एक टाइम आप पराठा खा लीजिए, एक टाइम पूड़ी खा लीजिए। अब ये देखिए मैं इसकी पूड़ी भी बना के आपको दिखा दे रही हूँ। पूड़ी को बेलते वक्त हमें आटा यूज़ नहीं करना है, हम तेल लगा के पूड़ी बेलेंगे। तो ये देखिए इसको बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे एकदम गरम गरम तेल में। मैंने इसे फ्राई कर रही हूँ और ये देखिए हमारी एकदम बढ़िया फूली फूली पूड़ी भी बनके रेडी है। आप एक बार आटा सान के रेडी कर लीजिए, 2 से 3 दिन तक वो आराम से आप फ्रिज में उसे स्टोर कर सकते हैं। फिर आप उसकी पूड़ी बनाइए, पराठे बनाइए, रोटी बनाइए, चाहे तो स्टफिंग भर के कचौड़ी बनाइए। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।